हेलो एवरीवन। तो अभी बज चुके हैं सुबह सुबह के 6:30। फिर भी देखिए कैसे, मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा हो रखा था। और खुशी आज जल्दी उठी थी तो बोल रही थी मम्मा उजाला क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने उसे बोल दिया कि विंटर के टाइम में जल्दी उजाला नहीं होता है। और खुशी जो है बाहर ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड जाने वाली थी तो वो उसे ही देख रही थी कि वो उसके पापा के साथ कब जाएगी। और वो भी उसके पापा को उठा रही थी, बार बार जा रही थी उठाने के लिए, बट वो नहीं उठ रहे थे क्योंकि स्कूल 7:30 बजे होता है और खुशी जो है 6 बजे से लगी थी उन्हें उठाने में। तो खुशी के लिए ये आलू बना दिए हैं और मैंने मेरा पानी लगा दिया है हीटर में, बिकॉज हमारे यहाँ पर अभी गैस गीजर का नहीं हुआ है। तो ये खुशी का बैग रेडी है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरा जो है मतलब मैंने नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी क्या मतलब, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है अपने स्किन पे, सिर्फ लिप बाम और सिंदूर पेंसिल। मैंने आपको बोला था कि मैं ऐसे मतलब डेली कुछ ज़्यादा रेडी नहीं होती हूँ, तो मैंने सिर्फ नहा धो के मेरी रंगोली जो है निकाल ली है। ये देखिए, सुबह सुबह मेरा यही काम होता है कि नहाओ धोर मतलब झाड़ू वगैरह जो है बाहर का वो मैं सुबह सुबह में कर लेती हूँ नहाने से पहले, और नहाने के बाद फिर रंगोली निकालती हूँ और अंदर का जो क्लीनिंग का काम है वो सारा फिनिश करती हूँ। तो अभी तक ऐसे कैसे ही पड़ा है, ये देखिए ये गद्दा भी ऐसा ही पड़ा है यहाँ पर। ये गद्दा जो है पीछे के रूम में, हमारा जो बेडरूम है वहाँ चला जाता है, क्योंकि खुशी जो है ये वाली खाट पे सोती है, इस खटिया पे खुशी सोती है यहाँ पे बिछा के, और हम इस कॉट पे सोते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेसी पड़ा है। चलो अभी काम करेंगे। खुशी चली गई है स्कूल में और मैंने उसके लिए आज आलू की सब्जी बनाई थी, तो चलो फिर करते हैं काम और मिलते हैं बाद में। मैं आ चुकी हूँ मेरे हॉल में, हॉल से ही शुरुआत करती हूँ मैं। बाहर का जो सारा काम है वो मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो बाहर आंगन में मिट्टी वगैरह है तो वो जो मतलब डस्ट उड़ता है तो हमारे शरीर पे आके बैठता है, तो नहाने से पहले वो हो जाना चाहिए। और मेरे जो पति है उनका तो ये बोलना है और उनका यही सोचना है कि घर में का काम भी नहाने से पहले हो जाना चाहिए, मतलब झाड़ू वगैरह मारना, बट ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ, 5:30 बजे भी कभी कभार उठ जाती हूँ, फिर भी मतलब खुशी का लंच, उसके लिए पानी देना, मतलब उसको सारा का सारा हाथ में ही देना पड़ता है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं करती, उसके कपड़े निकालना और उसका बैग पैक करना, तो सुबह सुबह में इतना मैनेज नहीं हो सकता मेरे से। तो मैं और हमारे यहाँ में मतलब हाउसवाइफ हूँ और यहाँ की बहू हूँ, तो हमारे यहाँ तो मतलब दरवाजे 5-6 बजे से अगर खुल गए तो नहाते हु मतलब नहा के रेडी है या नहीं पहले आजू बाजू की जो लेडीज़ है वही देखती है कि ये अभी तक नहा ही नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि सुबह में उठ के अपना बाहर का जो काम है वही कर लेती हूँ अंधेरे में, और फिर नहा धो के घर में दरवाजे वगैरह लगा के घर का काम। यहाँ पर लेडीज़ इतनी मतलब ये होती है, जल्दी उठ जाती है और अंधेरे में ही उठ के मतलब वो घर की साफ़ सफाई कर लेती है, और पूरा दिन तो हमें ऐसे ही मतलब घर का ही काम करना है, तो क्या इतना जल्दी उठ के क्या करना है यार, और काम दिन भर काम ही करते रहो। ये देखिए ये जो मेरा मॉप है ये टूट चुका था कल, तो मुझे बहुत झुक झुक के मतलब पोछा मारना पड़ा था, तो मुझे मतलब बहुत ही परेशानी हो रही थी, बट कोई नहीं हम लेके आ जाएंगे दूसरा मॉप। तो वो बकेट अच्छी है, सिर्फ मॉप टूट गया, मैंने सोफ़े के नीचे डालने की कोशिश की तो वो मतलब टूट गया, तो लेके आएंगे कभी कभार, अभी जो है उस पर ही टाइम पास करना पड़ेगा।
तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह इतना काम करने के बाद भी अगर हमें कोई बोल दे कि आप कुछ काम नहीं करते हो तो बुरा लगता है ना यार। कमेंट करके बताना किस किस को ऐसा, मतलब घर से, घर में लोग बोलते हैं कि आप कुछ काम नहीं करते हो, मतलब काम करने के बाद भी अगर कोई बोले काम करते नहीं हो तो कैसा लगता है आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। तो हमारी यहाँ की लेडीज़ जो है बहुत जल्दी से उठ जाती है और घर का काम कर लेती है। तो राज के पापा बोलते हैं कि आप 9 बजे ना आओ बट घर का सारा क्लीनिंग का काम करके ना आओ, पर वो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नाम रख देते हैं कि भाई वो जो इसकी बहू है उसकी बहू है, इतने बजे उठती है इतने बजे नहाती है, मतलब लोगों को बहुत पड़ी होती है, इस वजह से मैं जल्दी नहा लेती हूँ और बाकी का जो काम है वो देरी से करती हूँ। किसी किसी के घर में क्या होता है कि 2-3 जन होते हैं तो वो मतलब कर लेते हैं मिल बांट के, और मेरे घर में मैं अकेली हो जाती हूँ तो नहीं होता है मुझसे अकेले। ये मैं अभी चाय पानी के जो नाश्ता किया है हमने उसके बर्तन है तो मैं इन्हें भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि क्या होगा कि फिर दोपहर तक पड़े रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने यहाँ पर वॉइस रिमूव नहीं करना था बट बर्तनों का बहुत आवाज़ आ रहा था तो मैंने वॉइस रिमूव कर दिया। कोई नहीं, अभी मैं जो है मेरे बर्तन वगैरह घिस के फिर खाना पकाने वाली हूँ। तो आज मुझे गेहूँ भी चुनने हैं और गेहूँ चुनने के बाद उन्हें पीसना भी है क्योंकि मेरा जो आटा है वो ख़त्म हो चुका है इस वजह से, तो घर पे ही पीसती हूँ मैं, आगे ऐड कर दूँगी सारा कुछ। और ये मैंने किचन भी थोड़ा बहुत तो मेसी पड़ा था तो समेट लिया और साफ़ कर दिया है। तो चलो फिर अभी खाना पकाने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी और मैं तुरंत ही मतलब बर्तन वॉश करने के बाद खाना पका लूँगी। तो चलो फिर। तो बच्चे जो है माँ के पास तो नखरे ही करते हैं तो राज दवाई नहीं ले रहा था तो मैंने बोल दिया कि पापा से ले लो ऐसा वैसा, और पापा को बोल दूंगी ऐसा बोल रही थी मैं, मतलब राज को डांट रही थी। तो राज के पापा मुझ पे चिल्लाने लग गए कि सारा दिन भर क्या काम करती हो आप ऐसा वैसा, और मोबाइल पे ही लगे रहते हो और पागल के जैसे मोबाइल से बातें करते हो, मतलब इतना डांट रहे थे वो मुझे। तो क्या हम घर का काम नहीं करते, हमारे घर में क्या हाउस हेल्पर लगाई है तो वो हमारा काम करेगी यार। कभी कभार ये जो पति है ये हमारे जो मतलब दिल तोड़ के रख देते हैं, कभी कभार जो है इतनी तारीफ कर देते हैं और कभी कभार इतना मतलब बोल देते हैं तो दिल को लग जाता है यार। मुझे इतना बुरा लगा, मैं सुबह से शाम तक मतलब काम 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 करते करते कभी मैं उनको ऐसा बोलती नहीं हूँ कि मैं आज थक गई। बहुत सी लेडीज़ होती है जो अपने पति को मतलब दिखावा भी करती है और बोलती है मैं आज इतना काम करी मैं थक गई ऐसा वैसा, बट मैं कभी नहीं बोलती क्योंकि मेरे पति को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कुछ काम करो, क्या करो, थक रहे हो नहीं क्या, कुछ इनको मतलब पड़ी नहीं है। और मैं कितना भी बोलूँगी तो वो तो मुझे मतलब कोई हेल्प तो करने नहीं वाले, तो फिर बोल के कोई फ़ायदा नहीं, इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। तो आज इतना चिल्ला रहे थे, बोले आपको तो कुछ काम नहीं है, सारे दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हो, मोबाइल चेक करते रहते हो, ये करते हो वो करते हो। फिर मैंने उनको बोल दिया कि यार हमारे घर में क्या हाउस हेल्पर लगाई हुई है आपने पोछा मारने के लिए, बर्तन घिसने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए। पर उनका तो है ना मतलब आदत से हो जाती है उनको, क्या काम करते हो आप घर में, पहले मेरे सास बोलती थी अभी ये बोलते हैं मतलब एक परंपरा चल रही है उनकी। वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही टॉर्चर किया जाता था कि आप क्या काम करते हो दिन भर, इतना काम करने के बाद अगर आपको ऐसा कोई बोल दे कि आप क्या काम करते हो तो बहुत बुरा लगता है और हमारा मन नहीं करता है, अपना समझ के हम नहीं करते हैं। तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, पर अभी क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते। तो मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, ये देखिए मैंने बाहर रख दिए हैं मेरे। बाकी के इधर तो ये दरवाजे के बीच में आ जाते हैं, इस वजह से मैं जो है दरवाजे के सामने मतलब नहीं डालती हूँ, उधर उधर की साइड, इधर की साइड बाकी के जो है वो छोटी सी खटली है वहाँ पर डाल देती हूँ। तो
मुझे अभी गेहूँ चुनने हैं, तो मैं गेहूँ लेके आती हूँ और चुनती हूँ। आप रुकिए थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरे जो गेहूँ है वो चुन लेती हूँ। ये राशन के गेहूँ है फ्रेंड्स, और उसमें मतलब ज़्यादा ही वो जो क्या बोलते हैं हम, साई बोलते हैं उसे, तो वो ज़्यादा ही थी, तो उसे बहुत परेशानी आ रही थी मुझे निकालने में। और राज और हिमांशु जो है, मेरा देवर का बेटा है वो, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे मोबाइल के लिए, मोबाइल दो मम्मा, मोबाइल दो मम्मा। उनको मतलब टाइम दिया हुआ है, तो वो राज जो है अपने मोबाइल पे पबजी खेलता है, तो सिर्फ 30 मिनट के लिए उसे मोबाइल मिलता है, तो उसमें आप पबजी खेलो या टिकटॉक देखो या यूट्यूब देखो, कुछ भी करो, सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया हुआ है। तो राज बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, मम्मा मोबाइल दो, और मैं जो है शूट कर रही थी, तो मैंने बोला बेटा थोड़ी देर से ले लेना, बट वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे मतलब चालू वीडियो में जो है उसे मोबाइल देना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद करता है वो। और ये तीनों नमूने जो आपको आगे देखने मिलेंगे, राज उनमें बड़ा है, ये बाजू में लाल जो स्वेटर पहन के बैठा है, ये 2 नंबर देवर का है, और छोटे देवर का बेटा आप आगे देख लोगे कि बहुत शैतान है तीनों के तीनों। तो अभी चलो, तो राज को मोबाइल मिल चुका था, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और ये देखिए, मैंने जितने गेहूँ चुन लिए थे उतने पीस लिए हैं, क्योंकि तब तक ये जितने पीसे जाएंगे तब तक मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। ये मैंने आटा लगा लिया है, मैंने सब्जी भी डाल दी है, जब तक मेरा आटा पीसे जाएगा जब तक ये हो जाएगा, और बाकी के गेहूं जो है चुनना बाकी है। तो मैंने क्या किया कि चक्की बहुत गर्म हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पीसना चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें पीसने के लिए डाल दिया, और बाकी का जो है बाकी है अभी, वो मैं बाद में चुन लूँगी, मतलब अभी चुनूँगी तो ये ख़त्म हो जाने के बाद चुनूँगी। और ये बैंगन मैंने भरते के लिए रेडी करके रख दिया है। तो हाय कर सांग, वेलकम टू माय मम्मीज चैनल, माझी मम्मी चैनल। ए गटलू इकडे येणार रे। ए राज, त्याला म्हटलं असं बोल, म्हटलं वेलकम टू माय मम्मीज चॅनल, तो काय वेलकम टू माझी मम्मीज चॅनल। चप्पल टाक पण। हॅलो गाइस, अब इधर देखो। हॅलो, तीनो जे बनती की नमुने। देखो गाइस, काय करतोय रे? मनी प्लॅनचं छान हे येतंय। ठेव, आपला मनी प्लॅन चांगला होऊन चाललाय आता, तू बोल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।